सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चंस का एक सेट है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें पढ़ना कम पड़ता है एंड जो है आपको टू से थ्री क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपको इस एक चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, सो या हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। Which of the following organelles is related with genetic engineering? इनमें से कौन सा genetic engineering के साथ related है? देखते हैं। Plasmid, mitochondria, Golgi bodies and centrosome. So mitochondria, Golgi bodies and centrosome तो नहीं है। Plasmid is related. और plasmid क्या है? Plasmid is basically extra chromosomal circular DNA जो कि कहाँ पे रहता है? Bacteria में रहता है। And उसका कैसे use होता है in genetic engineering? It is used as a vector to transfer a foreign gene into the host organism. ठीक है, so yeah, option number A. अगला question number 2. The process of replication in plasmid DNA other than initiation is controlled by. अच्छा, so वो कौन control करेगा initiation को छोड़कर जो बाकी जो replication process है वो कौन control करेगा? Plasmid कहाँ पे रहता है? Bacteria के अंदर रहता है, तो कौन control करेगा basically? बैक्टीरियल डीएनए, सिंपल आंसर है बैक्टीरियल जीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पूछा है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। किसके डिस्कवरी की वजह से जो हम डीएनए को मैनिपुलेट कर पाते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो एक मेजर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो क्या करता है बेसिकली? सिंथेसाइजेस डीएनए, कार्ड्स डीएनए मॉलिक्यूल रेंडमली, कार्ड्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स, रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या होगा? इट गार्ड्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम। एक और होता है, तो क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या करता है, डीएनए के एंड पे कट करता है, एंड्स पे कट करता है, इस एंड पे, इस एंड पे कट करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इनको क्या कहा जाता है? इनको एक और नाम से कहा जाता है, कहते हैं इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, क्योंकि इनके काटने के बाद क्या होता है, कुछ स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स जो है वो बन जाते हैं डीएनए में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। डीएनए या फिर आरएनए सेगमेंट में अगर हम लोग टैगिंग करते हैं विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, तब उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, हम लोग उसको कहते हैं प्रोब डीएनए या फिर प्रोब। ठीक है, सिंपली अगर बोले उसको हम लोग प्रोब वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर फॉरेंसिक पर्पसेस एंड ऑल, जहाँ पे हम लोग क्रिमिनल के डीएनए के साथ जो एविडेंस का डीएनए वगैरह मैच करना पड़ता है या फिर पेरेंटल मैचिंग करना पड़ता है। सो ये सब में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सो ये आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोब। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक आर यूज्ड। एंटीबायोटिक किस लिए यूज किया जाता है, देखते हैं। एस सीक्वेंसेस फॉर वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एस सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फ्री ऑफ इन्फेक्शन जहां पे हम लोग किस किस का कल्चर कर रहे हैं, हम लोग बैक्टीरिया का ही कल्चर कर रहे हैं, तो वहां पे एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया ही मर जाएगा। सो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी गलत हो जा रहे हैं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए हमने दो जीन सिलेक्ट किए थे। क्या क्या जीन सिलेक्ट किए थे? एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एक है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ओके, तो इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल
फिर से वही टाइप ऑफ क्वेश्चन घूम के आ गया है. न्यूक्लिक एसिड का सिंगल स्ट्रैंड को अगर हम लोग टैग करते हैं विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, उसको हम लोग वापस से क्या कहेंगे, प्रोब कहेंगे. प्रोब क्या है बेसिकली, कुछ एक पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हमने लेबल किया है विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोब. अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है. डीएनए इज वन, बिल्कुल है. डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए को तोड़ना. ठीक है, आरएनए इसका काम क्या होगा, आरएनए को तोड़ना. सो ये भी नहीं होगा. हिंट टू यस इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, हिंट टू इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इसका पूरा नाम क्या था, समथिंग हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी ऐसा कुछ था. और टू इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. ठीक है, सो या हिंट टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. एंड प्रोटीज भी नहीं होगा क्योंकि प्रोटीज किस लिए यूज करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, ओके. तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9. अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज. एक जीन जिसका एक्सप्रेशन अगर होता है प्रोजेनी में या फिर कॉलोनी में तो वो किस, तो वो आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्म सेल को, उसको क्या कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल तो क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द सिलेक्टेबल मार्कर. That is known as the selectable marker. वापस से वही एम्पीसीडिन एंड टेट्रासाइक्लिन वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर पकड़ के रखते तो मान लीजिए हमें टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में हमने एक इंसर्ट डाला तो वो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लूज हो गया. तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करेगा. एंड अगर हम लोग उसके एम्पीसीडिन के मीडियम में रख दे तो वो अगेन ग्रो कर जाएगा क्योंकि एम्पीसीडिन रेजिस्टेंस उसमें प्रेजेंट है. सो वहां पे हम लोग उसको इंसर्ट वाले को एंड नॉन इंसर्ट वाले को हम अलग अलग कर लेंगे. ठीक है, जो जो मर जाएगा दैट इज मतलब जो ग्रो नहीं करेगा दैट डजंट हैव दैट हैव अ इंसर्ट एंड जो ग्रो कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में दैट डू नॉट हैव अ इंसर्ट. ठीक है, ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्टेबल मार्कर. हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is not a component of downstream processing? तो downstream processing में जो है दो major components होते हैं, एक होता है purification और एक होता है separation. ये NCERT का line दिया हुआ है. ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं NCERT में. यहाँ पे आप देख सकते हैं in the downstream processing. सिंपली यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये टॉपिक रहा और इसके अंदर पे ये मेंशन किया हुआ है कि द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ठीक है, सो या आंसर विल बी क्या था, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. सो यहाँ पे सेपरेशन भी है, प्यूरिफिकेशन भी है, प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन जो है वो तो एक्चुअली जरूरी होता है क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है. आई मीन जो प्रिजर्व यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स तो हम लोग प्रिजर्वेशन भी वहां पे करते हैं. सो यार इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बट जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो इसको हम लोग ऑड वन आउट करके निकाल देते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, बाकी तीनों जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है. ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड. सो ये बहुत समय आप लोग बहुत स्कूलों में ये प्रैक्टिकल की तरह भी किया जाता है. आप लोगों ने अगर किया होगा अपने लेबोरेटरी में तो क्या होता है डीएनए जो है उसको हम लोग अगर प्रेसिपिटेट आउट करके निकालना चाहते हैं तो हमें उसमें चिल इथेनॉल डालना पड़ेगा. सबसे पहले तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि सेल वाल को पहले डाइजेस्ट करते हैं यूजिंग सुटेबल एंजाइम्स, फिर आरएनए प्रोटीन सबको डाइजेस्ट करने के बाद उसमें क्या डाला जाता है, चिल इथेनॉल डाला जाता है ताकि वो डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट करके बाहर आ जाए. वो एक कोगुलम जैसा बनाता है. ठीक है, व्हाइट कोगुलम जैसा बनाएगा. ठीक है, वो ही प्रेसिपिटेट करके बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो आंसर क्या है,
precipitate DNA break and open cell to release DNA, ये तो नहीं होगा. Facilitated action of restriction enzyme, ये भी गलत. Remove protein such as histone, ये भी गलत. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, precipitate DNA. आइसोलेशन ऑफ DNA, बेसिकली वो प्रैक्टिकल का नाम होता है, उसमें चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है. तो चिल्ड इथेनॉल आपके दिमाग में आने से आप सीधा क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट आउट द डीएनए. ठीक है, ओके. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बॉम्बार्डेड विद जीन गन्स आर मेड अप ऑफ. सो माइक्रो पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड विद जीन गन, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर डीएनए है या फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको हमें सेल के अंदर भेजना है. तो हम लोग कैसे भेजेंगे? उसमें से एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीन गन, या फिर उसको एक और नाम होता है उसका, बायोलिस्टिक्स. आपको मैं दिखा देता हूं, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है क्लियरली. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है. यस, ये यूज किया जाता है इन एनिमल्स बेसिकली. सो सॉरी, इन प्लांट्स बेसिकली, सुइटेबल फॉर प्लांट्स. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन. वो माइक्रो पार्टिकल्स किन से बनते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन, जिसके ऊपर डीएनए का कोटिंग किया जाता है. उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, हाई वेलोसिटी से सेल में बॉम्बार्ड किया जाता है. और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर प्लेटिनम नहीं, सिलिकॉन प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम जिंक ये भी नहीं, गोल्डन टंगस्टन. यहाँ पे एन, यहाँ पे टंगस्टन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए हम बढ़ते हैं. बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए. ठीक है, अब याद रखिएगा, इसको यूज किया जाता है इन प्लांट्स. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. एगरोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स इज यूज्ड इन. एगरोस सीवीड से यूज किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो किसमें यूज किया जाता है? एगरोस क्या है बेसिकली? एगरोस इज अ जेल. ठीक है, इट इज अ जेल दैट इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है इसमें? ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें डीएनए एक साइड से दूसरे साइड मूव करता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है. सो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा देता है, एक तरफ नेगेटिव, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है. एंड जब डीएनए मूव करता है, तब जो ये मीडियम होता है, ये मीडियम जो है दैट इज मीडियम ऑफ एगरोस जेल. एंड एगरोस जेल क्या करता है? एक सीविंग इफेक्ट देता है. ठीक है, जैसे चाय पत्ती को हम लोग छाक लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक सीविंग इफेक्ट होता है. उस सीविंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े डीएनए के पार्टिकल्स है वो इनिशियली यहीं पे रह जाते हैं. ठीक है, जैसे बड़ा पार्टिकल है डीएनए का, वो यहाँ पे रह गया, और छोटे छोटे वाले जो है वो आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, और बड़े वाले पीछे रह जाते हैं, थोड़ा बड़े मीडियम वाले यहाँ पे रह जाएंगे और छोटे वाले आगे चले जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली हम लोग डीएनए को सेपरेट करते हैं, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसको क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो एगरोस इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग. इनमें से कौन सा जो है जीन क्लोनिंग में यूज किया जाता है? न्यूक्लियोइड्स, मेसोसोम, लोमासोम्स एंड प्लाज्मिड्स. तो ये सिंपल आंसर है, इसका आंसर होगा प्लाज्मिड. ठीक है, जीन क्लोनिंग में वही यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इन ट्रांसजेनिक्स, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय. ट्रांसजेनिक जो एनिमल होता है, उनमें जो हम लोग जो जीन इंसर्ट करते हैं इन द टारगेट टिश्यू, वो कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोमोटर. ठीक है, प्रोमोटर जो होता है, प्रोमोटर जीन जो होता है, वही क्या बोलते हैं उस ट्रांसजीन के एक्सप्रेशन को उस टारगेट टिश्यू में डिटरमाइन करेगा, मतलब एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, सीधी बात, आंसर होगा प्रोमोटर. ठीक है, प्रोमोटर से अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो नहीं हो पाता. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16. EFB स्टैंड्स फॉर, ये हमारे एनसीईआरटी के पहले पहले जो पेज है वहां पे दिया हुआ है. EFB जो है दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले पेज पे, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी नहीं होगा, बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी.
ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। डिस्क्राइब द इमेज गिवन बिलो। यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, एक डायग्राम है। सो ये क्या है बेसिकली? सो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा था, दिस इज नथिंग बट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देख सकते हैं बड़े सेगमेंट्स ऑफ डीएनए पीछे रह गए, छोटे वाले आगे बढ़ गए, ठीक है। और ये साइड हो गया हमारा नेगेटिव, ये साइड हो गया पॉजिटिव, तो डीएनए इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे एरो दिया हुआ है, देख लीजिए आप, एरो भी दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट वाले इधर आ गए, लार्जेस्ट वाले इधर आ गए अकॉर्डिंगली। और ये क्या है? एगरोस जेल मीडियम, ठीक है। सो या आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 18। द कोर टेक्निक दैट एनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज। बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, कौन से टेक्निक ने एनेबल किया है? सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सही, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग ये भी सही है, बोथ ए एंड बी ये भी सही है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से क्या हो जाए, हम लोग एक एनिमल के अंदर दूसरे हम लोग डिजायर्ड जीन को एंटर इनसाइड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग एक दूसरे जीन को डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर डिजायर्ड जीन एक्सप्रेशन मिल पा रहा है, ठीक है। और उसी जो जीन को जो हम लोग स्टेराइल एनवायरनमेंट में जो मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड सो इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। इनमें से कौन सा प्लाज्मिड में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से प्लाज्मिड जो है हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेजेंस ऑफ साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस, नहीं ये एग्जैक्टली नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, चलो ये कुछ हद तक हम लोग पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट्स, ये सब कुछ नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनोमसली जो है रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया जाता है? कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स नहीं, वो कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही, यही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्चुअल फंक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग, ये भी नहीं होगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं। आंसर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ क्रोमोसोम अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिस्पॉन्स रेप्लिकेशन इज। एक डीएनए सीक्वेंस में कौन सा जो सीक्वेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो उस जीन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ओरिजिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओरी, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट जो वो किस क्राइटेरिया के बेसिस में आगे पीछे होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट ट्रेवल्स, गलत, लार्जर होगा तो कम ट्रेवल करेगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट ट्रेवल्स, बिल्कुल सही। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिवली चार्ज तो हो ही नहीं सकता डीएनए, एंड नेगेटिवली चार्ज मूव करता है इजिली तो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जितना छोटा होगा फ्रेगमेंट उतना वो फार ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद। डीएनए जो एगरोस जेल के बाद जो हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं उनको हम लोग देखेंगे कैसे? सो उस पर हम लोग स्टेनिंग करेंगे विद अ केमिकल नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड में उसको स्टेन करने के बाद हम लोग उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे, और जब हम लोग उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे तब हमें ऑरेंज कलर ऑफ बैंड्स नजर आते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर में भी शायद मिल जाएगा,
बट जैसे कोचिंग वगैरह के एग्जाम्स में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24. अ गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ऑल एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा फीचर जो है एक गुड क्लोनिंग वेक्टर में नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं हम. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन, वो तो बिल्कुल होना चाहिए. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो अगर नहीं होगा तो उस वेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है. सो इट इज मेनी रिकॉग्निशन साइट फॉर सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. नहीं, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए. सो ये नहीं होगा. हाई कॉपी नंबर होना चाहिए. सिलेक्टेबल मार्कर वो तो होना ही चाहिए. सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ गुड क्लोनिंग वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 25. पीसीआर प्रोसेस इन थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप्स गवर्न बाय टेम्परेचर. दे आर इन ऑर्डर ऑफ. पीसीआर जो है वो गवर्न जो तीन स्टेप्स में होते हैं. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, फिर आता है हमारा प्राइमरी एनीलिंग, एंड थर्ड स्टेप इज द पॉलीमराइजेशन. ठीक है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि इनका ऑर्डर क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, डीनेचुरेशन. सबसे पहले आ गया डीनेचुरेशन, फिर क्या आ गया, प्राइमर एनीलिंग. सो एनीलिंग लास्ट में क्या आता है, एक्सटेंशन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 26. बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट बाय, यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है, ये है कॉम्पिटेंट. ठीक है, कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग इट विथ, हम लोग किससे बैक्टीरियल सेल वॉल को ट्रीट करते हैं जिससे कि वो डीएनए को अंदर ले सके. हम लोग ट्रीट करते हैं विद अ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम. डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, डाइवेलेंट कैटायन ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हियर. हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27. टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, इनमें से कौन सा दो बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. यहाँ पे आंसर है, एक है एस्टेरेशिया दैट इज ई कोलाई, एंड दूसरा क्या है, एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस दैट इज अ ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया इन प्लांट्स. सो इसके इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम तो एज अ वेक्टर भी यूज किया जाता है. ठीक है, इन प्लांट्स. एंड एस्टेरेशिया कोली का जो हम लोग वेक्टर सॉरी प्लाज्मिड जो है उसको हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते हैं. ठीक है, सो या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एनिमल, इनमें से कौन सा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स. ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, इकोलाई. नहीं, इकोलाई एनिमल्स में यूज नहीं किया जाता. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड यूज किया जाता है इन प्लांट्स. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. बैसिलस थुरिंजिनेसिस अगेन प्लांट्स में यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा. एंड व्हाट अबाउट रेट्रोवायरस, यस रेट्रोवायरस आर यूज्ड इन एज अ वेक्टर इन एनिमल्स. उनको पहले डिजाइन किया जाता है उसके बाद यूज किया जाता है रेट्रोवायरस. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 29. द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. टैक पॉलीमरेज वो क्या है, दैट हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ डीएनए इन पीसीआर. बट टैक पॉलीमरेज का स्पेशलिटी क्या होता है, That is a heat resistant enzyme. क्योंकि denaturation के समय about 90 to 95 degree Celsius में DNA strand को heat किया जाता है to make them separate. So उस क्योंकि temperature already high है, उस high temperature में जो है हमको enzyme को function कराना है. But high temperature में enzymes क्या होते हैं, degrade हो जाता है due to their proteinaceous nature. जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट टेक पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है, अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है. हेंस हम लोग टेक पॉलीमरेज को यूज करते हैं इन पीसीआर. सो वो कहां से मिलता है, दैट इज हम लोग वो मिलता है फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, जो कि अगेन एक ऐसा एनिमल है जो कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रह सकता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है. तो दैट इज थर्मस एक्वाटिकस. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ.
DNA precipitation out of the mixture of biomolecules can be achieved by treatment with. ऐसा ही equation हमें पहले भी मिल चुका है. DNA precipitate out करने के लिए हमें कौन सा चीज use करना पड़ता है? मैंने अच्छे से बताया था. एक ही चीज दिमाग में रखना है, that is chilled ethanol. Chilled ethanol. देख लेते हैं. Isopropanol नहीं, chilled ethanol बिल्कुल सही. Methanol at room temperature ये भी नहीं. Chilled chloroform ये भी नहीं. Answer is option number B. Chilled ethanol. So, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.